और कहाँ जा रहे हैं? वहाँ सोए हमारा लोहा घाट में, तो दिखाते हैं। पूरा बने रहिए, जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और चल रहे हैं भानु, मैं और आज हमारे साथ एक और जने हैं, काफी मजा आने वाला है। काफी समय बाद कहते हैं उसका नाम, आपको हमारे साथ उनके ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीच बीच में वो गायब जाते हैं भाई साहब हमारे, अमित भाई साहब। आज उनको काफी दिनों बाद हमारे साथ गाड़ी का सफर कर रहे हैं, तो वो भैया भी तैयार हो रहे हैं, अमित भैया भी तैयार हो गए हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो मेरे पिछवाड़े में क्या लग गया, आज मैंने हक दिया पूरा हाथ में भी लग गया। ये देखो यार क्या हो गया, थाली लगी थी यहाँ बैठ गए भी इसके ऊपर। अब मेरा जाते जाते पूरा तैयार हुआ वापस हो गया। अब इसको खाओ या नहीं खाओ, हो रही यार ये पैंट उतार के चार बाप रे, मम्मी आराम से चुके हैं अपनी गाड़ी पे और अब चलने की तैयारी हो रही है। तो ड्राइवर हमारा भाई, ये गाइस चल रहे हैं, हर हर महादेव, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पेट्रोल भरने लग गया, जीरो चेक कर लेंगे जी। गाड़ी वाले को भी एक आदमी चाहिए होता है पीछे से, पहले आओ सर, आओ सर, चल रहे सीधे यहाँ से आगे को अनमोला मेन मार्केट से। अब तुम भैया और मैं भैया भी पहुँच गए हैं, अब चल रहे हैं यहाँ से सीधे एनटीडी को पहले, फिर चल रहे हैं वहाँ से वहीं लोहागढ़ जाना है। हमने पहले भी भैया को दिखा होगा हमारे ब्लॉग में आपने, क्यों लोहागढ़ वाले में आज सेकेंड बार लोहागढ़ जा रहे हैं फिर से एक बार, क्यों गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। सीधे मंदिर महादेव, और यहाँ पर भाई साहब के हमारे जूते यहीं पर उतार दे रहे हैं, ऊपर जाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलना है चिदय मंदिर की ओर को, यह हो चिदय गुरुजी देवता की। हाँ चिदय मंदिर से अब चलना नीचे को। अरे भाभी मिल गया हमें यहाँ पे, क्या कर ले हो? हेलो करो, अब मीनाक्षी लोग जा रहे हैं फिर मंदिर को। अभी चॉकलेट, एक चॉकलेट भैया की और हमारा भैया की चल रहा है, बुबू की आदि वो खा के मरे थे। तोली से आगे को पन्नाला भजनालय है। देखो अभी हम यहाँ का नाम मैं तो अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, मतलब गुणावाद के नीचे पे, और सजन है अभी यहाँ पर एक दो रील बनाते हैं अभी, चले चलते हैं यहाँ से को। तो गाइस चल रहे हैं यहाँ से सीधे बनार मार्केट और बैठे हैं बढ़िया तरीके से, आज भी इंडियन बैठे हुए देखेंगे। देख सकते हैं हमारे अमित को, तुम शीशे में तो देख सकते हो, अब यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकता है कि क्यों। मैं गाली तो देता हूं, मैं गाली दे सकता है उसमें अच्छा ही होगा, आप मेरे आपके सुवचन लगेंगे मेरे को, लगने चाहिए।
और वैसे ना जैसे कोई गाली देता है तो आप गाली मत लो। ओ चाय तो सर चाहिए आपको। चाय और मैगी चल रही है। अमित भाई की भी हमारे सभी लोगों की भाई लोग की चल रही है। मैगी मैगी खाते हैं बढ़िया। भाई जी का वहाँ चल रही है हमारी मैगी। बढ़िया चाय भी रहे और साथ में भैया का रेस्टोरेंट बढ़िया तरीके से भैया यहाँ बैठे हैं। भैया के यहाँ तो आप भी आओ हिम दर्शन रेस्टोरेंट में एकदम घाट से तो बस वाली से थोड़ा सा नीचे घाट से ऊपर तो हम घाट पहुंचने वाले हैं। जस्ट देखो बनार से घाट घाट से हम चल रहे हैं सीधे चंपावत को। ये दिमाग सही जगह पर घुटनों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज हम बड़ी मुश्किल तक कमर तक तो ले आए हैं। आप समझने लग गए अब घुटनों तक की बारी है। आज समझने लग गया हूं मैं। जेरी नहीं समझता आज समझने लग गया। हमने चाय आई हमारी चाय स्पेशल चाय ये आई चाय चाय लो तो ये लेमन टी है बल नाम तो गाइस चल रही हमारे ये नहीं पता है बैठे पहली बार बैठा हूं गाइस मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अब मैं समझ गया। कुछ दिनों के बाद ये डलिया में बैठूंगा गाइस सब पूरे बाद में मैं डलिया में बैठा हूं। मुझे एक्सपीरियंस है डलिया में बैठने का। जब हमारी भानु की मम्मी की शादी हुई थी और मेरे चाचा के साथ ये तब मैं बैठा था डलिया में क्योंकि मैं बारात में मेरे को नहीं ले गए। मेरे को पहले जैसे घर से जब बारात जा रही थी उस समय जब घर से बारात जा रही थी उस समय मुझे डोली में बैठा के ऊपर तक ले गए। ऊपर जाने के बाद मुझे टामा दे दिया मोए मोए कट दिया मेरे साथ मेरे को बारात में नहीं ले गए। फिर मेरी मम्मी मुझे डलिया में बैठा के नीचे को ला गई ऊपर से। मेरे को कितनी हंसी आ रही है ज़्यादा हंसी आ रही है। मुझे दांत ज़्यादा दिखा रहे हैं। दांत मास्क आया हूँ मैं सुबह ये मास्क आया हूँ लोहा घाट की मार्केट में। देखो एंटर करते हुए देखो यहाँ दुकानें भी हैं। चल रहे हैं आगे को बढ़िया करके तो छे मेरी धना 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 लौंडा लोहा घाट से थोड़ा सा आगे जहाँ हमारा महोत्सव होने वाला है। इसको देखो तो मेरे बगल में अभी गाइस अनुमति कुछ कहना चाहोगे आप सर? देखो भैया लोग आगे आगे चल रहे हैं और हम भी जा रहे हैं अभी अपने जहाँ हमारे रात अभी रहने की व्यवस्था कर रखी है चेंजिंग की। चल रहे हैं आगे को। तो गाइस बढ़िया हमारी चल रही है कट्टी गुड़ के साथ बढ़िया। तो पहुंच गए हैं बढ़िया तरीके से हम अभी अपने। ऐसा क्या कर रहा है बिरिया? तो काप के रहना ठंडा लग रहा है ना गाइस थोड़ा सा। मैंने गरम भाई अपने पहन के आ दे पे हैं मैं बताया इन था गाइस बढ़िया चाय और पकौड़ी बढ़िया। तो गाइस देखो ऊपर गए थे थोड़ा सा सामान लेके आए अब हम पहुंच चुके हैं। ये देखे इनके मजा भी लेकर आया हूँ।
देखो लोहाघाट बढ़िया तरीके से ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में, देखो ब्यूटीफुल से स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, गर्म पानी का, गर्म पानी उनको क्या पता वीडियो में क्या पता ऐसा नहीं वो गर्म पानी और ठंडा पानी हो जाता है गाइस, इतना तो सबको पता होता है क्यों। तो आई लव लोहाघाट पे हम लोग, और नीचे ब्यूटीफुल सा इनका गार्डन भी है और वो आपके लिए झूला, वो झूला भी है। अभी हम शाम को पहुंचे तो मैं दिखा नहीं पाया आपको, अब अभी दिखा रहा हूँ भारत भी टाइम मिला भाई, बाहर में अंदर कपड़े चेंज चल रहे हैं तो अंदर ही थे अभी तक, अब गई बाहर तो दिखा रहा हूँ आपको। आई लव लोहाघाट। तो गाइस देखो हम अभी आए हैं रजा लोग के कमरे में, हमारे यहाँ दिखते हैं पूरी टीम है, पूरा अभी जो सोने वाला है उससे पहले की जितनी भी अभी सोने प्रोग्राम होंगे, और सभी के सभी अभी कलाकार यहीं पर ही हैं। और हमारे दादा परिचय कराता हूँ आपका, दादा बताइए अपना परिचय कर दीजिए। मैं पुष्कर महर लोक गायक, आप जानते होंगे, और मेरी पूरी टीम आज यहाँ विश्व महोत्सव में आई है, और साथ ही भाई भी यहाँ पर मिले थे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे भावना कांडपाल जी के भाई हैं और बहुत बढ़िया लगा भाई से मिल के। थैंक यू, थैंक यू। और हमारे दादा अनिल पाल जी, अनिल जी दादी नमस्कार, ये हमारे दादी, ये मैं चांदी चाचा ये दिल्ली से, और हमारे देखो दादा ये हमको ललित दा, ये दादा और कितने काफी अच्छा लगा था इनके आपसे। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी कितना प्रोग्राम होने वाला है, आपको प्रोग्राम भी दिखाऊंगा मैं। और ये हमारे दादा, ये हमारे जजेस, अभी हम व्हाइट Y2Y जो हमारा रिजॉर्ट है इसके ऑनर भी हैं, जो हमारे दादा मिले, ये काफी अच्छा लगा मिलके। और अभी नितिन मुरारी जी और अभी हमारे प्रोग्राम होने वाले हैं, दिखाते हैं आपको प्रोग्राम भी कैसा होता है, काफी बढ़िया प्रोग्राम रहेंगे। ये सभी जने तैयार हो रहे हैं अभी। नहीं अच्छा करते हैं जादी जादी नारायण से भी तगड़ा, कैसे गलत कर रहा है, कौन चलाता है ये फोन, ये फोन है पिटारा, फोन दो लोग वापसी दे जाते हैं, मैं छोड़ा चार्ज है इसको, पैसा कर फोन बोले पैसा फोन लिया अपना, ये ऐसा आइटम है। और आज मुझे सुभाष पांडे जी जो चांदी चाचा हमारे के नाम से फेमस है, इन्होंने मुझे आज ये हाथ का बैंड चांदी का, उसका वेट कम से कम 300 ग्राम होगा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, ये धन्यवाद सर। और दिल्ली आने वापसी देना ये अगर मैं तुम्हें वापस दूंगा ना तो मैं लगता है धोखा दे रहा हूँ, हम मरते जवान पे, वीडियो वायरल कर दूंगा पता ही है। उत्तराखंड की से प्रोग्राम एंट्री, सर आप एंट्री पहले जाएंगे सर, उत्तराखंड की कहीं प्रोग्राम हो फजो बैंड, दिल्ली से आया था, नहीं नहीं बात लगा के पास यहां पहुंचते पहुंचते रह गए 3 चैन, दिल्ली ना 10 चैन 3 चैन रह गई, तो सभी को बांटते रहो, वीडियो भी आपके बांटने वाली बनाई है, हां तुम चाहे तो टेबल बांटो, सोशल वाली चैन बांटते रहना, हां बांटते रहो, क्यों यार आज मुझे मिले हैं चांदी चाचा, अरे अब आ गई हमारी चाय, सब ले लो चाय हमारी बढ़िया आई जी लग के साथ, तैयार हो रहे हैं हमारे चांदी चाचा की तैयारी चल रही है पूरी, चलने की अब यहाँ से सीधे चल रहे हैं अभी महोत्सव में, बैठना ही अंदर ही है ना, मैं सत्य बोलना जो बोलता हूँ सत्यवादी हरिचंद की औलाद भी हूँ, दिखाओ यहाँ को देखो कैसे लग रहे हैं बताना आप। तो गाइस अब चलने के लिए तैयार हम हैं, रेडी है हमारी भानु भी रेडी है, और तो गाइस चलने लग गए हैं अब, यानो क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसा हुआ आपको, कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा कर रहे हो आप सुबह जाने से पहले, फीलिंग एक्साइटमेंट लोगों को देखने की, बहुत ही बढ़िया, तू आगे गाड़ी चला ले हैं, तो गाइस देखो चल रहा हूं गाड़ी चला रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ जरा फिर, अभी हम सो के जस्ट नीचे पे खड़े हैं, ऊपर सो होने वाला है अभी, गाइस पहुंचने वाले हैं,
जहाँ पे आज का महोत्सव चल रहा है और आगे सारे ये लोग चल रहे हैं और पीछे और चले जस्ट यहाँ से शो स्टार्ट ही हो गया है। बच्चे लोग तैयार हो रहे हैं जी। हमारे विकास खंड की
पहली नागरिकता तालियां बजती रहनी चाहिए भावना कांडवाल जी और नया डेक्सी के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष जो हमारे बीच आई है मात्र आपके द्वारा क्योंकि आप जल्दी करो Thank you.
तो गाइस पहुंच चुके हैं कमरे में और अब खाना ना खाते हैं सोते हैं। कैसा लगा आज के व्लॉग लाइक कमेंट करके जरूर बताओ। जो नए भी आए थे सब्सक्राइब करने नहीं भूले। ओके बाय, गुड नाइट।